नहीं नहीं ये कौन सा ये बालाजी हॉस्पिटल है। हमें ऐसे शिकायत मिली थी कि डॉक्टर साहब द्वारा कुछ जो कोविड के पेशेंट का इलाज किया जा रहा है, तो हमारे कमी साहब के निर्देश अनुसार हम इस हॉस्पिटल को डॉक्टर घनश्याम जी हैं वो साथ आए हैं सीएमएचओ के निर्देशन में। उन्होंने यहाँ जांच की है, उस जांच में ये उन्होंने मिला है कि कुछ पेशेंट जो कोविड पेशेंट थे जिनका इलाज किया जा रहा था उनका ऑक्सीजन लेवल काफ़ी डाउन था। हॉस्पिटल में करीब 10 या 12 पेशेंट्स हैं, उसमें से 3 या 4 पेशेंट्स कोविड पेशेंट्स भी हैं। अब इनको इनकी परमिशन है या नहीं है इसकी जानकारी सीएमएचओ के द्वारा या मेडिकल हेल्थ के द्वारा ही बताई जा सकती है कि क्या इनको इनकी परमिशन है, क्या ये कोविड पेशेंट्स का इलाज कर सकते हैं या नहीं कर सकते। हाँ, ये निश्चित रूप से ये ज़रूर है कि हमने पाया है ये ऑक्सीजन सिलेंडर्स थे, और ये ऑक्सीजन सिलेंडर्स जो पेशेंट थे वो खुद ही इन्होंने अपने लेवल पे अरेंज किया था और इन्होंने अपना इलाज ये करवा रहे हैं। और जहाँ तक नगर निगम की टीम का सवाल है, हमारी टीम यहाँ आई थी उन्होंने, तो हमारा तो ये था कि डॉक्टर साहब को सहयोग करना था, डॉक्टर साहब की निर्देशानुसार जो भी कार्य करना था। अगर कोई परमिशन इनको जारी की गई है या इस टाइप के पेशेंट को इलाज कर सकते हैं कोविड का, तो ये मेडिकल हेल्थ टीम या इनके जो भी गाइडलाइंस हैं मेडिकल्स के, उसके अनुसार ये तय करें। और फर्दर जो भी है हमें डायरेक्शंस मिलेंगे सब इनके कार्रवाई करें। सर, कोविड को लेकर में यहाँ जिस तरह की व्यवस्था नज़र आ रही है, उसको लेकर क्या करेंगे? कोविड जो पेशेंट्स हैं, जहाँ तक मेरी जानकारी में है कि उनको अलग थलग रखना चाहिए, उनकी व्यवस्था अलग होनी चाहिए। क्योंकि क्या होता है कि जैसे हम जान रहे हैं कि भाई ये कोविड इतना फैल रहा है अभी, तो उनको कोविड जो पेशेंट्स हैं उनको बिल्कुल अलग थलग ही अलग ही उनका एक रूम होना चाहिए और उनकी व्यवस्था को अलग होना चाहिए। और जहाँ तक मेरा अपना निजी जो चीज़ है कि भाई इन पेशेंट्स को रिफ़र करना चाहिए, जेलन रिफ़र करें या इनको दूसरे हॉस्पिटल में रिफ़र करें जहाँ अच्छी सुविधा इनको मिल सके या इनको अपना इलाज हो सके। अगर इनके पास यहाँ पर्याप्त सुविधा नहीं है तो ये रिफ़र करें, डॉक्टर साहब रिफ़र करें इनको। और ये तो बिल्कुल कार्रवाई अभी डॉक्टर साहब हमारे साथ ही हैं, और वो ये तो इनको कहा जाएगा कि इनको जो कोविड पेशेंट है इनको आप अलग करें या इनको रिफ़र करें या इनको बिल्कुल आपके जो नॉर्मल पेशेंट से अलग करें। ये तो इनको ये इंस्ट्रक्शन अभी देखे जाएंगे डॉक्टर साहब को, साथ साथ तो बिल्कुल नहीं चलेगा। सीएमएचओ साहब के निर्देशन पर मैं ब्लॉक सीएमएचओ डॉक्टर घनश्याम यहाँ बालाजी हॉस्पिटल को चेक करने आया, मेरे साथ नगर परिषद की पूरी टीम है। मैंने यहाँ आकर के देखा कि यहाँ 10 पेशेंट एडमिट है, 10 में से 3 एचआरसीटी पॉजिटिव पेशेंट है, 1 आरटीपीसीआर पॉजिटिव पेशेंट है। यहाँ आइसोलेशन वार्ड की कोई सुविधा नहीं है। जिन पेशेंट्स के पास ऑक्सीजन सिलेंडर है वो पेशेंट्स, ये डॉक्टर साहब का कहना है कि वो पेशेंट अपना खुद ऑक्सीजन सिलेंडर का इंतज़ाम करके लाए हैं, है ना। डॉक्टर साहब के पास खुद के पास भी 3-4-5 ऑक्सीजन सिलेंडर पड़े हुए हैं, है ना। इस तरह की यहाँ मिली, हमने इनकी रिपोर्ट बना ली है, रिपोर्ट बना करके गवर्नमेंट को कलेक्टर साहब को प्रेषित कर। कहीं ना कहीं एक जो कोविड पॉजिटिव नॉर्मल पेशेंट के साथ किस तरह से लापरवाही की जा रही है? हाँ, जो वार्ड है वो एक ही है, आइसोलेशन वार्ड अलग से नहीं है, सेपरेट नहीं है। हालांकि वो पेशेंट अलग कोने में है, लेकिन आइसोलेशन वार्ड जिस तरह से सेपरेट होना चाहिए वो नहीं है। उसके साथ जो नॉन कोविड पेशेंट भी है उसके साथ एडमिट है, जो कि नहीं होना चाहिए। कोविड मरीज देखने की इनको नहीं देख, कोविड मरीज कोई भी डॉक्टर देख सकता है, कोई भी डॉक्टर देख सकता है, लेकिन उसके पास यदि ट्रीटमेंट करने की जितनी फैसिलिटी हो वो उस स्तर से ट्रीटमेंट करेगा। इनके पास ट्रीटमेंट करने की फैसिलिटी जिस लिमिट तक है उतनी, उस लिमिट तक ये ट्रीटमेंट करे। इनके पास ऑक्सीजन है, अवेलेबल है, अगर गवर्नमेंट ने इनको अनुमति दे रखी है कोविड पेशेंट को एडमिट करने की, तो ही ये कोविड पेशेंट को एडमिट कर सकते हैं। मेरे ख्याल में गवर्नमेंट ने इनको कोविड पेशेंट एडमिशन करने की फैसिलिटी अनुमति नहीं दे रखी है। आगे क्या कार्रवाई रहेगी? आगे कार्रवाई के लिए हम कलेक्टर साहब को रिपोर्ट प्रेषित कर रहे हैं, उसके बाद आगे जो भी उच्च अधिकारी कार्रवाई करेंगे।